दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि तानाजी द अनसंग वॉरियर ने अपने पहले दिन के एडवांस बुकिंग से अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों अजय देवगन सर की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर की एडवांस बुकिंग काफी अच्छी रही है। इस फिल्म के ट्रेलर को लोगों ने काफी पसंद किया था और इसके गाने भी काफी हिट हुए थे। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि हर कोई इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये फिल्म मिलिट्री लीडर तानाजी मालुसूरे के जीवन पर आधारित है और इस फिल्म को 3D में और मराठी में भी रिलीज किया जा रहा है और लोग इस फिल्म को 3D में देखने के लिए और भी ज्यादा उत्साह में है। दोस्तों अगर बात करें स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में अजय देवगन, काजोल, सैफ अली खान, शरद केलकर, ल्यूक कैने, नेहा शर्मा और जगपति बाबू नजर आने वाले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है ओम राउत ने। दोस्तों स्क्रीन काउंट की बात करें तो इस फिल्म को इंडिया में 3000 स्क्रीन और ओवरसीज में 800 स्क्रीन के साथ रिलीज किया जा सकता है, यानी इस फिल्म को दुनिया भर में कुल 3800 स्क्रीन के साथ रिलीज किया जा सकता है। दोस्तों अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 110 करोड़ है और फिल्म का बज भी काफी अच्छा है। वहीं तानाजी द अनसंग वॉरियर के साथ दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक भी रिलीज हो रही है और फिल्म का बस काफी कम है और फिल्म के ट्रेलर को भी क्रिटिक से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला था। दोस्तों अगर बात करें तानाजी द अनसंग वॉरियर की पहले दिन की एडवांस बुकिंग कलेक्शन की तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से अपने पहले दिन में अब तक 8 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। मतलब साफ है कि ये फिल्म अपने पहले दिन में 15 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों ऐसी अपडेट्स और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।